फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शुक्रवार यानी कि 10 मई को यूएन में इस पर वोटिंग हुई। ये प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। वहीं राष्ट्र संघ की असेंबली में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास होने से इजरायली राजदूत गिलाद इवदान भड़क गए। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान यूएन चार्टर को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो चार्टर को फाड़कर संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को अरब देशों ने यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत समेत 143 देशों का समर्थन मिला। वहीं अमेरिका, इजराइल समेत 9 देशों ने ही प्रस्ताव का विरोध किया। इस प्रस्ताव के पास होने से फिलिस्तीन ने यूएन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यूएन महासभा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता तो नहीं दिला सकती, हालांकि इससे फिलिस्तीन को कुछ विशेष अधिकार मिल सकते हैं। सितंबर 2024 से फिलिस्तीन असेंबली हॉल में यूएन के सदस्यों के बीच बैठ सकेगा, लेकिन उसे यूएन के किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा।